वही छत्तीसगढ़ के अंबेडकर अस्पताल की व्यवस्था हमेशा ही सवालों के घेरे में रही है। ताजे मामले में कई दिनों से अस्पताल में पोस्टमार्टम नहीं हो रहा। एक परिवार शव लेने के लिए 3 दिनों से अस्पताल परिसर में रुका हुआ है। शव नहीं मिलने से अंतिम संस्कार में भी देरी हो रही है। परेशान परिजनों ने स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री से व्यवस्था दुरुस्त करने की गुहार लगाई है। हमें बेकरहारा हॉस्पिटल के शव परीक्षण केंद्र में जहां सूचना मिली है कि लाश यहां पे दो दो तीन 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 दिनों तक है और उसका पोस्टमार्टम का निरीक्षण नहीं किया गया है। परिजन पहले से ही परेशान होते हैं और उन्हें जानबूझकर इस तरह परेशान किया जा रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ परिजन हमारे साथ है, आइए जानते हैं उनको किस तरह समस्या हो रही है और कब आए हैं। जी आप कहाँ से आए हैं? रायपुर लोधीपाल से, एक पड़ोसी है गुप्ता परिवार, उनकी लड़की मतलब सुसाइड कर ली थी। तो ये कल दोपहर में सब यहाँ मर्चुरी में लाया गया था, लेकिन कल तो नहीं हो पाया, लेकिन आज भी 5:30-6 बजे जा रहा है। तो इनका यहाँ पर ऐसा मेरे ख्याल आप लोगों ने इन जो प्रशासन से बात की है कि हमें इतना लेट क्यों किया जा रहा है? नहीं, ये 10 से 15 दिन से ऐसा कुछ हमको पता चला कि कुछ नियम बना हुआ है कि एक दिन में 10 सौ ही करेंगे या 5 बजे तक ही करेंगे, ऐसा करके यहाँ का नियम बना हुआ है। हमारे साथ और यहाँ पे और परिजन हैं जो अपने शव लेकर आए हैं यहाँ पे, ये उनका क्या कहना है? कहाँ से आए हैं आप? सर मैं आरबीएच कॉलोनी जागृति नगर से आया हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से। कब से आए हैं यहाँ पे? सर मैं सवेरे 11 बजे से यहाँ पे हूँ और कल 5:30-5 बजे आके हम लोगों ने यहाँ दिए हैं। मेरे पिताजी जो डेथ हो गए थे तो उनको यहाँ पे किए, बोले कि सवेरे तुम आके ले जा सकते हो बोल के। तो उन्हीं के साथ फिर वहाँ पे थाना पे हुआ जो भी लिखा पड़ी, फिर उनके साथ आए हम लोगों 11 बजे के आसपास। 11 बजे से सर एक गिलास पानी नहीं पिया हम लोग, अभी तक बैठे कि अब मिलेगा बोल के, अभी तक मिले ही नहीं है सर। 2 दिन से माँ बाप 36 घंटे से रो रहे हैं, बच्चे भाई नहीं है मेरा, चाचा नहीं, कोई नहीं, अकेला खड़ा हूँ यहाँ पे, फिर भी सुनने वाला कोई नहीं है। जिसका मजबूत है उसको मिल जा रहा है, जिसका मजबूत नहीं हो तो भूखे प्यासे मरो। तो अभी आपने सुना ये परिजन जो हैं जो अपने परिजनों की शव लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और इनकी हालात ऐसा है कि ये पहले से दुखी हैं और प्रशासन के द्वारा घोर लापरवाही बरतते हुए उनके और दुखी की जा रही है। ये दो दो दिन तीन तीन दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप यहाँ पे दृश्य देख सकते हैं कि यहाँ इतनी भीड़ लगी हुई है, कई सारी लाशें अभी अंदर होने की खबर है और दो दो दिन से उनकी लाशें नहीं दी गई है। तो इस तरह की लापरवाही आखिर कब तक चलेगी और ये प्रशासन दुखी जो परिजन उनको और कब तक दुखी करते रहेगी? विभाग या स्वास्थ्य मंत्री इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे? कैमरामैन राहुल के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस। बुलेटिन में कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।